वेलकम टू द क्रेजी डिज़ाइनर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं और फ्रीलांसिंग के हम काम करते हैं फ्रीलांसिंग पे, फ्रीलांसिंग के क्लाइंट आते हैं तो उनके लोगो हम कैसे डिज़ाइन करें, फ्रीलांसिंग के लिए लोगो कैसे डिज़ाइन करें, क्लाइंट के लिए कैसे डिज़ाइन करें हम लोगो, तो देर किस चीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इलस्ट्रेटर पर जाना पड़ेगा। इलस्ट्रेटर पर मैंने खोला और क्रिएट न्यू पे गया। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे 500 बाय 500 पिक्सल। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप करेंगे क्रिएट, क्रिएट करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस एक ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिस पे हम अपना वर्क करते हैं। इसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड, इसको बोला जाता है आर्ट बोर्ड, इलस्ट्रेशन आर्ट बोर्ड, ठीक है। अब मैं अपनी जिसको मुझे डिज़ाइन करना है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। मेरे पास एक पिक्चर है वो मैं यहाँ लेके आऊँगा, उसको डिज़ाइन करूँगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो पिक्चर आपको मिल जाएगी। आप लिंक खोएंगे वो पिक्चर आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं करता हूँ कंट्रोल ओपन, कंट्रोल प्लस ओ, और मैं उठाता हूँ पिक्चर। ये है पिक्चर, ये पिक्चर मेरे पास आ गई। इस पिक्चर को मैं यहाँ से लेके यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ कैंसिल। जब ये यहाँ पे आ गई, अब इसको मैं करूँगा डिज़ाइन। अब तो कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा लेयर्स पे, लेयर्स के बाद सेकंड लेयर में लूँगा और फर्स्ट लेयर को कर दूँगा लॉक, और सेकंड लेयर पे हम करेंगे काम, हम करेंगे सेकंड लेयर पे काम। ये देखें, ये हो गई लॉक, ये हिल नहीं सकता अब कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे पेन टूल पर, पेन टूल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है पी। पेन टूल पर आके हम करेंगे कंट्रोल प्लस, ताकि ये थोड़ा जूम हो जाए ताकि हम आराम से डिज़ाइन कर सकें। यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना डिज़ाइनिंग, यहाँ से लेके हम यहाँ पे इसको रखते हैं, और माउस जो है क्लिक की है माउस की, वो आपको होल्ड करके रखनी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये लेकिन आप देखें वाइट वाइट आ रहा है इस पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके इसका फिल बंद कर देंगे। फिल किया बंद और स्टोक किया ओपन, स्टोक वन पे रख दें, स्टोक ये स्टोक हो गया सिर्फ, ठीक है। अब आप करेंगे यहाँ, यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से ये देखें, यहाँ पर और डिज़ाइन देखते हैं कैसे बनाया हमारा डिज़ाइन। ये देखें, कंट्रोल बाय दबाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये हमारा डिज़ाइन बना है सब, ठीक है। अब वापसी कंट्रोल बाय दबा दें आप। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, ये पोर्शन, फिर पी दबाएंगे आप, पी दबा के यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ तक ले आए जहाँ तक आपको करना हो, जहाँ तक आपको समझ आए। यहाँ पर मैंने रख दिया। अब यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेकिन मसला आएगा एक, मैं यहाँ तक रखता हूँ उसे ताकि आराम से मेरा डिज़ाइन बन जाए वाला। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लिक, जो आप राइट क्लिक कर लेफ़्ट क्लिक करते हैं जो आप, उसको होल्ड करके रखें, उसको छोड़ें नहीं, और ये जो माउस आ जाता है, हैंडल आ जाता है, अल्टर दबा के इस पर क्लिक कर दें, बस ये खुद ही चले जाएगा। फिर आपका जो माउस होता है वो फ्री हो जाता है, हैंडल जो है वो फ्री हो जाता है, फिर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी हैंडल घुमा सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारे तरीके से बन रहा है ये। ये देखें, ये देखें।
देखे। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे आप भी आहिस्ते आहिस्ते से। ऐसे ऐसे से डिज़ाइन करना है आपको बिल्कुल। जहाँ आपको लगे आपका डिज़ाइन ख़राब हो रहा है वहाँ पे आप पीछे कर लीजिए कंट्रोल जेड से बार बार। ठीक है, यहाँ तक आपका डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। ये देखें कितना प्यारा शेप आ गया इस पर। अब हमें आइज़ बनानी है। तो आइज़ कैसे बनाएंगे हम? ये जो हैंडल आ रहा है ये आपके पास हैंड आ रहा है ये एच से आता है। आप एच दबाएंगे ये आपके पास हैंड आ जाएगा जिससे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब बक्शी पी दबाएंगे आप। आपको ये आइज़ बनानी है तो कंट्रोल प्लस कर दें और हैंडल एच दबाएंगे। ठीक है, फिर पी दबाएं और यहाँ पे जाके यहाँ पर क्लिक करें और इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, नीचे ले आएं, क्लिक करें, बन गई आपकी आइस। ये देखें, लेकिन अब अंदर का जो सर्कल बनाना है वो कैसे बनाएंगे आप? अब देखें, यहाँ पर आएँ आप, ये एलिप्स टूल पर जाएं, इसका शॉर्ट फॉर्म में एल। इस टूल के जाके शिफ्ट प्लस अल्टर दबा के इसे सर्कल हल्का सा सर्कल बना दें और सर्कल पे आप कलर दे दें ब्लैक जो कि हमने दिया हुआ है। देखें इसको उठा के उठा के आप यहाँ ले आए। ये देखें आपका ऐसा कुछ शेप आ गया इस पर। ठीक है, अब इस पर हमें कलर फिल करना है। तो कलर फिल कैसे करेंगे? लेयर्स पे आए, इन लेयर को करेंगे बंद। अब इस लेयर को पकड़ेंगे, ये देखें यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज़ में गए, आपने किया फिल बंद, फिल कर दीजिएगा बंद और स्टोक कर दीजिएगा बंद और फिल करें ब्लैक। ये देखें हो गया कलर। अब इस पर कलर करना है आपको, स्टॉक करें बंद और फिल कर दें ब्लैक। ये देखें, लेकिन अब ये क्या, ये तो पीछे आइस तो छुप गई, तो इस पर आप क्या करेंगे, अरेंज फ्रंट टू बैक कर देंगे आप। ठीक है, अब आइस पे कलर करना है हमें। ये देखें इस पर हम कौन सा कलर करेंगे, वाइट। पहले आप स्टॉक बंद करेंगे और इस पर कलर करेंगे वाइट। वाइट, ये वाइट कलर कर दिया। और ये आँख पर कलर हमें कौन सा करना है, स्टॉक करें बंद और फिल कर दें ब्लैक। ये देखें बिल्कुल ईगल तैयार हो गई है आपकी। लेकिन अभी देखें थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर जाएंगे, स्मूथ टूल पे जाके इस पर सेलेक्ट करेंगे इसको और स्मूथ टूल पे जाएंगे। स्मूथ टूल के बाद जाने के बाद सिर्फ ये एक प्रेस कर दें, ये स्मूथ हो चुका है। ये देखें कितना स्मूथ हो चुका है, कितना शाइन हो चुका है, जहाँ पे ये कर्व आ रहा था ये सारा कर्व ख़त्म हो गया ऐसा, ये देखें। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, टैक्स लिखना है। तो हम टैक्स कैसे लिखेंगे, तो कर दें छोटा थोड़ा सा, टैक्स पे आएँ और यहाँ पर टैक्स दबा दें। टैक्स दबाने के बाद हम लिख रहे हैं ईगल प्रो, ठीक है, ईगल प्रो लिखा मैंने, और यहाँ पर जाके इसका साइज़ बड़ा कर दिया, 45 ले रहा हूँ साइज़ को, ठीक है। और नीचे लिख रहा हूँ मैं ट्रेडर्स, फिर मैंने टी दबाया और नीचे लिख रहा हूँ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स इमेजिन के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर दें, उसको यहाँ पर रख दें। अब इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करेंगे आप, यहाँ पर हैं उसका राइटिंग स्टाइल जो आपको पसंद आए वो आप वो देखें, कितना प्यारा लग रहा है ये राइटिंग स्टाइल ईगल प्रो। इस नाम से ही बिल्कुल ईगल स्टाइल फॉन्ट है ये, कौन सा लिया था हमने यहाँ पर, एक्को एंड कैनन, देखें नेरा, ठीक है। इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दें, 50 समथिंग सही है, यहाँ पर रख दें इसको, और इसको ट्रेडर्स को थोड़ा सा नीचे कर दें, देखें इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें, छोटा कर दें इसका थोड़ा सा साइज़, ठीक है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। अब आज टैक्स उठाएं और इस प्रो के साइज़ को छोटा करें आप, ताकि डिज़ाइन अच्छा लगे, 40 समथिंग आप कर दें। ये देखें ईगल प्रो थोड़ा सा आगे कर दें, ईगल प्रो ट्रेडर्स, और टी उठाएं। अब इसका मुझे कलर चेंज करना है ईगल का, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल पर, फिल पर जाने के बाद मैंने इसको रेड कलर दे दिया है। ये देखें ये आपका डिज़ाइन तैयार हो चुका है, ये देखें इसको कर दें ऊपर, ये आपका डिज़ाइन तैयार हो चुका है, ये देखें। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा, वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।